ने आज दिल्ली में पारे को लुढ़का दिया, लेकिन नेताओं ने माहौल गर्माने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमित शाह ने आज सबसे बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल जीत गए तो 5 साल बाद घर के आगे वो हवाई जहाज खड़ा कर लेंगे। दिल्ली में एक तरफ बारिश हो रही थी तो दूसरी तरफ बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में अमित शाह केजरीवाल पर बरस रहे थे। आपको याद होगी नीले रंग की कौन सी गाड़ी थी वो? रेनो। आजकल कौन सी गाड़ी है? गुंजन है। जरा जोर से बोलिए। बैगनोर से 49 दिन में यहां तक पहुंचे हैं। 5 साल केजरीवाल हो गए तो घर के सामने हवाई जहाज पार करेंगे। हवाई जहाज। उधर केजरीवाल ने आज वोटरों को रिश्वत लेने के लिए उकसाने के आरोप पर बड़ी सफाई दी। मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे पैसा ले लो, इनको वोट मत दो, तो इसमें रिश्वतखोरी नहीं है। इसमें ये है कि थोड़े दिन के बाद ये पार्टियां रियलाइज करेंगी कि पैसा बांटने से वोट मिलते नहीं है। दूसरी तरफ किरण बेदी बूंदाबांदी के बीच भी अपने क्षेत्र कृष्णानगर में जनसंपर्क में जुटी थी। उनका दावा है कि वो एक दिन में 3 दिन का काम कर रही। 3 दिन है एक दिन में, सुबह यहाँ, दोपहर को कहीं और, फिर शाम को कहीं और। अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं के पास राजनेता नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि मौसम काफी खराब है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने चुनाव प्रचार में तमाम नेता जुटे हुए हैं। कैमरामैन दिलीप अवस्थी के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अंदर की बात यह है कि कई लोगों को फिलहाल ऐसा लग रहा है कि किरण बेदी के नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। इनके पास आइडिया तो बड़े बड़े हैं, लेकिन एक दिन को वो 3 दिन में कैसे बदलेंगी ये किसी को समझ में नहीं आ रहा।